गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको बुक पेज नंबर 27 हु एम आई की पिक भेजी थी और रीड करने के लिए बोला था। आई होप यू हैव रीड इट स्टूडेंट्स। टुडे आई एक्सप्लेन, ओके, लिसन केयरफुली। हु एम आई, यू मस्ट हैव रीड माई स्टोरी और हियर्ड अबाउट मी। बच्चों, आपने मेरी स्टोरी पढ़ी होगी या मेरे बारे में सुना होगा। टेल हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक पहेलियों की तरह है, ओके। यहाँ क्लू दे रखे हैं और आपको बताना है ये कौन। देखिए, फर्स्ट, ही इज द ऑनर ऑफ अ चॉकलेट फैक्ट्री डेयर चार्ली विजिट्स। वह एक चॉकलेट फैक्ट्री का ऑनर यानी कि मालिक है, जो चार्ली का विजिट करता है, ओके। तो इन कौन थे ये? विली वोंका। क्या नाम है इनका? विली वोंका। बच्चों, यहाँ FIB दे रखी है, मिसिंग लेटर्स आपको भरने हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, पीटर रैबिट स्टील फ्रॉम हिज गार्डन एंड इज कॉट। पीटर रैबिट अपने गार्डन से चोरी करता है और पकड़ा जाता है। ये कौन थे? मिस्टर मैकग्रेगर। थर्ड, ही इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ जेंट इन द हैरी पॉटर बुक्स। ये हैरी पॉटर बुक्स में हाफ ह्यूमन एंड हाफ जेंट है। ही इज द कीपर ऑफ कीज एंड ग्राउंड्स ऑफ हॉगवर्ट्स। बच्चों, ये हॉगवर्ट्स की ग्राउंड और की के रक्षक हैं। इनका क्या नाम है बच्चों? रूबियस हैग्रिड। क्या नाम है? रूबियस हैग्रिड। फोर्थ, सी इज द हेड मिनिस्ट्रेट ऑफ अ नाइस स्कूल फॉर चिल्ड्रन डेट मटिल्डा अटेंड। ये बच्चों के लिए एक स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेट हैं और ये जो मटिल्डा अटेंड यानी कि ज्वाइन करते हैं, मटिल्डा में भाग लेते हैं। तो इनका क्या नाम है बच्चों? मिस अगाथा ट्रंचबुल। क्या नाम है? मिस अगाथा ट्रंचबुल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये मैंने पहले से ही फिल कर लिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। फिफ्थ, ही इज सेल्फ सेंटर्ड एंड नोटी। वह सेल्फ सेंटर्ड और नोटी हैं। हिज ब्रदर्स नेम इज परफेक्ट पीटर। उनके भाई का नाम है परफेक्ट पीटर। ये कौन है? हॉरिड हेनरी। नेक्स्ट देखिए सिक्स, ही इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव क्रिएटेड बाई द ब्रिटिश ऑथर सर आर्थर कैनन डॉयल। ब्रिटिश ऑथर सर आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा बनाया गया। वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि निजी जासूस है। क्या नाम है इसका? शरलॉक होम्स। ओके, क्या नाम है? शरलॉक होम्स। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, He is an Indian boy raised by wolves in the story of the Jungle Book. बच्चों, जंगल बुक की स्टोरी आपने पढ़ी होगी और ये बच्चों का है, टीवी में भी आता है द जंगल। इसमें एक इंडियन लड़का है जो वुल्फ के द्वारा ले जाया जाता है उठाकर। ये कौन था बच्चों? मोगली। नेक्स्ट एट, ही इज अ टैक्सी ड्राइवर इन टॉयलैंड। ही वॉज मेड बाई एनिड वॉल्टन। बच्चे, टैक्सी ड्राइवर है टॉयलैंड में और ये एनिड वॉल्टन के द्वारा बनाया गया था। ये कौन था? नोटे। ओके, क्या है ये? नोटे। तो बच्चों, ये हमारा बुक पेज नंबर 27 है। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक पेज नंबर 28, लाइब्रेरी बुक्स। बच्चों, ये भी आपको पढ़ने के लिए बोला था, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। आज मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलिए सुनिए। फर्स्ट देखिए, ये स्कूल लाइब्रेरी है, ओके। रिया इज एट द लाइब्रेरी टू गेट फ्यू रेफरेंस बुक, हेल्प हर फाइंड देम। ये रिया नाम की लड़की है और ये लाइब्रेरी में आई हुई है। इसे कुछ बुक चाहिए और इसकी हेल्प करनी है बुक देखने में, ओके। देखिए फर्स्ट, I need a book to know the meaning of new words that I learn in English class. बच्चों, ये कह रही है कि मुझे एक ऐसी बुक की नीड है जिसे मैं इंग्लिश क्लास में और कुछ नए वर्ड के मीनिंग देख सकूं जिसमें,
ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? डिक्शनरी। बच्चों डिक्शनरी में हम इंग्लिश के मीनिंग देखते हैं ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं और हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता, उसका मीनिंग फाइंड करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। ओके, सेकंड देखिए, कैन आई हैव अ बुक विद द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल एंड देयर एड्रेसेस इन दिस सिटी। बच्चों ये कह रही है कि इस सिटी में लोगों के नाम और एड्रेस मुझे देखने हैं और मुझे ऐसी बुक चाहिए जिसमें मतलब इस सिटी के जो भी सिटी है उसके सभी लोगों के नाम और एड्रेस पता कर चल सके। तो ये होती है बच्चों हमारी डायरेक्टरी। देखो डायरेक्टरी एक ऐसी बुक होती है जैसे किसी भी शहर का, ठीक है, सभी लोगों के उसमें नाम मिलेंगे और उनके एड्रेस मिलेंगे। ओके, तो वो होती है हमारी डायरेक्टरी। सेकंड नंबर पर ये है डायरेक्टरी। ओके, फर्स्ट नंबर पर डिक्शनरी थी, ये फर्स्ट थी। देखिए थर्ड, आई वॉन्ट अ बुक डेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैनी टॉपिक जस्ट लाइक द इंटरनेट टू डू माई साइंस प्रोजेक्ट। देखिए अभी रिया नाम की लड़की है, इसे अपना साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, और साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इसे मैनी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। और ये कह रही है कि मुझे ऐसी बुक चाहिए जिसमें बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मिल जाए जस्ट लाइक द इंटरनेट की तरह। तो कौन सी बुक होती है बच्चों? एनसाइक्लोपीडिया। ओके, कौन सी? एनसाइक्लोपीडिया। फोर्थ इज देयर अ ईयर बुक डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट एंड वेदर फोरकास्ट अराउंड द ईयर। बच्चों ये कह रही है बच्चों क्या यहाँ एक ईयर बुक है जिसमें वर्ष के आसपास की घटनाओं और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी मिल सके। तो बच्चों एक ऐसी बुक जिसमें पूरे वर्ष की घटनाओं और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जो नॉलेज मिलती है, इस टाइप की बुक को कहते हैं बच्चों एल्मनैक। ओके, तो इसे कैसी बुक चाहिए, क्या नाम चाहिए उसका? सॉरी, एल्मनैक। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, आई वॉन्ट अ बुक ऑफ मैप टू हेल्प मी स्टडी इन ज्योग्राफी क्लास। तो ये बच्चों कह रही है फिफ्थ में कि मुझे ज्योग्राफी क्लास में स्टडी करने के लिए एक मैप की बुक चाहिए, ठीक है, जो मेरी ज्योग्राफी क्लास में स्टडी करने में हेल्प करे। तो ये कौन सी बुक होती है हमारी? इसका क्या नाम होता है? एटलस। ओके, ये कौन सी होती है? ये एटलस। तो बच्चों कुछ बुक्स के नाम थे यहाँ पर, जैसे डिक्शनरी से हमें न्यू इंग्लिश वर्ड मीनिंग सर्च करने में हेल्प मिलती है, डायरेक्टरी ऐसी होती है, सिटी होती है, सिटी के जो लोग होते हैं, सारे पीपल जो होते हैं उनके एड्रेस और नेम होते हैं डायरेक्टरी में। ओके, और एनसाइक्लोपीडिया जो होती है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, मैनी टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। और फोर्थ हमारा एल्मनैक हो गया, एल्मनैक में होता है पूरे साल की जो इवेंट होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है, वेदर की इंफॉर्मेशन होती है, और एटलस जो ज्योग्राफी क्लास के लिए हेल्प करती है मैप को पढ़ने में। ओके, तो बच्चों ये हमारी लाइब्रेरी बुक थी। अब आपको होमवर्क में ये दोनों पेज नंबर, कल तो आपने रीड कर लिए थे, ये फिल करने हैं। ओके, अब ऐसे मैंने इसमें फिल किया हुआ है, आपको ये समझ नहीं आए तो आप इसमें पीछे भी देख सकते हो। ओके, वैसे तो समझ आना चाहिए, ठीक है। बुक पेज नंबर 27 भी फिल करना है आज आपको, और बुक पेज नंबर 28 भी फिल करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।